हेलो दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें कि हम एक इक्वेशन गिवन है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, जिसको आपस में रिएक्ट करके हमें मिलता है अमोनिया। एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हेबर्स प्रोसेस, यानी कि अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग को हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो एक आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। बट लेट अस सी कि हमसे पूछा क्या गया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, जो कि ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म में है, सो वी नीड टू से दैट कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया। हमें अमोनिया का मास फाइंड आउट करना है इफ 2 kg, है ना, 2000 ग्राम, यानी कि 2 kg डाइनाइट्रोजन मैंने लिया है और उसको रिएक्ट करवाया है 1 kg ऑफ डाइहाइड्रोजन या फिर 1000 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन के साथ में, तो कितना अमोनिया का मास मिलेगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ यहाँ पे तरीके हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। अगर आप सिंपली ट्राई करने की कोशिश करोगे तो आपसे शायद ना भी हो ये, तो आपको एक बार तरीका जो है वो पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या देख लेते हैं कि कितने कितने मोल्स हमें रिक्वायर्ड हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखो, अगर मैं एन की बात करूं, यानी कि कितने कितने मोल्स हैं, तो देखो यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल्स हाइड्रोजन चाहिए होता है, जिससे कि 2 मोल्स अमोनिया के बनते हैं। साथ ही साथ, क्योंकि मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, तो मैं मोलर मासेस इनके फाइंड आउट कर लेती हूँ। नाइट्रोजन का मोलर मास आप लोगों को पता है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो इसलिए हो जाएगा 28 ग्राम्स। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एटम का होता है 1, बट क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो ये कितना हो गया, 2 ग्राम्स हो गया, राइट। इसी तरह से अगर अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन हो गया 14 + 3, तो ये हो गया 17, तो इसका मतलब हो गया 17 ग्राम्स। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये तो हमारे पास निकल गया इनके मोलर मासेस। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक्चुअल जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी देखो मास गिवन है, और आप सभी जानते हो कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास तो हमें पता ही है, थियोरेटिकली आप निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्डेड डेटा। उसके अलावा जो एक्चुअल मास है वो निकालने, एक्चुअल मोल्स है वो निकालने के लिए आपको एक्चुअल मास है उसको डिवाइड करना होगा मोलर मास से। अब देख लेते हैं एक्चुअल मासेस कितने हैं। तो देखो, नाइट्रोजन हमने कितना ले रखा है, 2000 ग्राम ले रखा है, ग्राम्स में ही है सारी वैल्यूज, तो इसलिए मैं ग्राम्स में ही लेकर चल रही हूँ। उसको डिवाइड आपको किससे करना है, मोलर मास से। तो मोलर मास कितना हो गया नाइट्रोजन का, 28 हो गया। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन का निकालना है, तो देखो उसके लिए हमें गिवन मास कितना है, 1000 ग्राम, तो ये हो गया 1000 ग्राम। उसको हमें डिवाइड करना है इसके मोलर मास से, जो कि कितना है, 2। तो आप इसको एक बार सॉल्व करके देख लेना, मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो मैं डायरेक्टली आपको वैल्यूज बता देती हूँ। सो दिस वुड बी 71.4 मोल्स, है ना, ये हमारे एक्चुअल मोल्स हैं रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियसली ये कितने हो गए, 500 मोल्स हो गए। अब आप देखो यार, किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है। हालांकि अभी हमें क्या पता करना होगा कि हमें किससे कितना जरूरत हो रही है। तो जब हम 1 मोल नाइट्रोजन लेते थे तो हमें 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती थी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम 71.4 मोल्स जो है नाइट्रोजन लेंगे तो मुझे कितनी जरूरत पड़ेगी हाइड्रोजन की। सो 71.4 × 3, सिंपल यूनिटरी मेथड है, एक पेंसिल 5 रुपए की, तो 5 पेंसिल कितने की, तो 5 × 5 करते हो, तो 1 मोल के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए था। तो 71.4 मोल्स नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा, 71.4 × 3, यानी कि आप इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा आपका 214.2 मोल्स। इतने मोल्स की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। बट एक्चुअली आप देख रहे हो कि हमारे पास में मोल्स कितने हैं, हमारे पास तो बहुत सारे मोल्स हैं हाइड्रोजन के, हमारे पास 500 मोल्स है, जबकि जरूरत मुझे सिर्फ इतने की थी। इसका मतलब जो मेरा हाइड्रोजन है वो कैसा हो गया, वो हो गया एक एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, ये एक ऐसा रिएक्टेंट है जो कि एक्सेस में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब सीधी सी बात हो गई कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो क्या हो गया, हमारा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कि किसी भी रिएक्शन को डिटरमाइन करता है, कंट्रोल करता है प्रोडक्ट के अमाउंट को, यानी कि एक रिएक्शन को लिमिट कर देता है। तो अब हमसे पूछा है कि अमोनिया का कितना मास है, तो क्योंकि अमोनिया हमारा प्रोडक्ट है, तो उसका जितना भी मास बनेगा वो हाइड्रोजन की बजाय नाइट्रोजन पे डिपेंड करेगा कि नाइट्रोजन का कितना अमाउंट है। ये बात समझ में? तो पहले स्टेप में आपको क्या करना था, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना था। अब आप उसके बाद में सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो बाय टेकिंग नाइट्रोजन। अब आप देखो, नाइट्रोजन जो है ना, इसके 71.4 मोल्स है। जब 1 मोल नाइट्रोजन होता था तो 2 मोल अमोनिया के मिलते थे अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मुझे एक बात बताओ, जब हमारे पास 71.4, देखो 71.4 मेरे पास है मोल्स किसके, नाइट्रोजन के, तो 71.4 मोल्स नाइट्रोजन के लिए कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स मोल्स मिलेंगे, 1 मोल के लिए 2 मिलता था, तो 71.4 मोल्स नाइट्रोजन के लिए कितने मिल जाएंगे, 71.4 × 2। सही बात है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आपका कितना आ जाएगा, 142.8 मोल्स, यानी कि इतने मोल्स मुझे अमोनिया के मिल जाएंगे आफ्टर दी फॉर दिस रिएक्शन। अब बहुत सिंपल है यार, मोल्स को तो आप इजीली जानते ही हो, अभी अभी मैंने आपको बताया गिवन मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। अब देखो, अमोनिया के लिए आपको मोल्स पता चल चुके हैं,
ठीक है, आपको W जो है वो फाइंड आउट करना है। यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितना मास अमोनिया का बनेगा, और मोलर मास आप लोग ऑलरेडी जानते हो 17 ग्राम है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ से W निकाल लेना है, तो N को आप MR से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल है। तो अगर आपको W निकालना है किसका, अमोनिया का, तो आप क्या करोगे, जो N है नंबर ऑफ मोल्स वो कितने हैं 142.8, इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर दो, मोलर मास से। मोलर मास अमोनिया का हम पहले ही निकाल चुके हैं कितना होता है, 17 ग्राम होता है। अब आप इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ तो बता देती हूँ। So this answer will be 2428 grams. अगर आप इसको केजी में बताना चाहो तो this will be 2.428 kilogram. ठीक है, इसका मतलब इस रिएक्शन के दौरान अगर मैं 2 किलो डाइनाइट्रोजन लेती हूँ, 1 किलो डाइहाइड्रोजन लेती हूँ, तो लगभग 2.428 किलोग्राम मुझे क्या मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएगा। ओके, सो आई होप दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा सा स्टेप वाइज आपको चलना पड़ेगा, अदरवाइज इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, अगर आपको प्रोसेस और आपको फॉर्मूलाज अच्छे से पता है तो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड? अरे बिल्कुल अनरिएक्टेड रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन अभी हमने डिस्कस किया था इज द एक्सेस रिएजेंट। तो कौन है जो कि अनरिएक्टेड रहेगा, हमारा हाइड्रोजन सिर्फ 214.2 मोल से तो काम आ रहा है, उसके अलावा बाकी जो 500 मोल के अंदर में से आप इतने को माइनस कर दो तो बाकी तो एक्सेस ही है। तो अब इन्होंने देखो थर्ड क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ लिया है कि तो फिर अगर ये अनरिएक्टेड है तो बताओ उसका कितना मास अनरिएक्टेड है। तो बहुत सिंपल है, अब आप क्या करो, 500 मोल में से, ये मैं थर्ड का आंसर आपको बता रही हूँ कि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें जो कि हमारा क्या है, एक्सेस रिएजेंट है या एक्सेस रिएक्टेंट है, तो हमारे पास टोटल इसके 500 मोल्स हैं, लेकिन काम कितने आ रहे हैं, सिर्फ 214.2 मोल्स ही काम आ रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, माइनस कर लो। जब आप इसको माइनस करोगे ना, तो आपका आंसर आएगा 285.8, ठीक है, ये मोल्स। अब ये मोल्स कौन से हैं, ये वो हैं जो कि अनरिएक्टेड हैं, यानी कि एक्स्ट्रा पड़े हैं। ठीक है, इनका कोई यूज नहीं है, ये रिएक्शन मिक्सचर में ऐसे ही पड़े रहेंगे, इनका कोई काम नहीं है। बट इन्होंने आपसे क्या पूछा है, मास पूछा है, इन्होंने आपसे मोल्स नहीं पूछे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है मास के लिए आप क्या करते हो, मोल्स को मोलर मास से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हो। तो अगर मुझे डब्ल्यू चाहिए किसका, हाइड्रोजन का, तो मेरे पास है मोल्स 245.8, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, मोलर मास से। मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 ग्राम होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है। तो बस आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है, एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट योर आंसर एज 571.6 ग्राम्स। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि दैट इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट नहीं है, बट एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन अगर आप करते हो ना, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं, मूल कॉन्सेप्ट जो है उन पर आपकी एक अच्छी पकड़ बनती है। तो इसको हालांकि आपने यहाँ पे देख लिया होगा सोल्यूशन, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप इसको खुद से एक बार करने की कोशिश करो, दिस विल ब्रिंग मोर क्लैरिटी टू यू। सो विद दिस, दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप चाहे तो अपने आंसर्स यहां से मैच भी कर सकते हैं, और जो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया गया है, चाहे तो आप उस टेक्स्ट का भी देख सकते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू। बट आई थिंक जब आप मोल्स के अकॉर्डिंग करते हो, सो दैट बिकम्स मोर सिंपल एंड मोर कॉन्सेप्चुअल। सो यस, दिस वाज ऑल, एंड यू कैन मैच योर आंसर्स फ्रॉम हियर, एंड आई विल सी यू नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 25। सो यस, दैट्स ऑल ऑल, गुड बाय, टेक केयर।